आइस बॉल चैलेंज। गांव में ऐसी लड़कियां जद्दोजहद करती थी। फाइनली बर्फ मैंने तोड़ दी है। तोड़ने के साथ दुपट्टा भी फाड़ दिया। रवि का बहुत चुनबू रही थी, रवि का बहुत तंग करती थी। में सबसे ज्यादा अच्छा कौन था? पढ़ाई में सांस रुक रही थी। कंजूस कौन है? ये हमारी छुई मगर आपने बोला मेरी अम्मा नहीं सबसे। This is Priyika Kashyap Khan. Welcome back to my YouTube channel. YouTube वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। मतलब मुझे तो अभी से ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब बहुत मजा आने वाला है। इस वाली वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मही के साथ मेकअप चैलेंज, जिसमें मही ने मेरा मेकअप किया था। सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो वीडियो मैंने जब खुद देखी तो मुझे भी इतनी ज्यादा पसंद आई है। बट आई डोंट नो कि कुछ लोगों ने देखी क्या नहीं देखी, लेकिन वो वाला रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा मुझे सैड फील हुआ, लेकिन चलो खैर, इट्स ओके। लेकिन आई होप कि ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत मजा आएगा। सो यस, फुल वीडियो जरूर देखें। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो आज की वीडियो में मेरे साथ शामिल होने जा रहे हैं दो स्पेशल लोग मेरे घर के। वो कौन कौन है? एक तो मेरे सामने ही है, एक तो मेरे सामने ही है। हेलो करी। हेलो, हाउ आर यू? I'm good। भैया से टेबल जो है वो मैंने उठवा ली है, और भैया को मैंने कहा कि टेबल उठा के बाहर रखो, तो जाओ बाहर रखो जाके। भाई बहुत गर्मी है तो मैं कह रहा हूँ अभी ऑफ करो। अरे ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा चैलेंज है, मतलब मजा ही आ जाएगा गर्मी में, बता रही चार चांद लग जाएंगे। तो यार ओ हो, हमारी जो दूसरी स्पेशल मेम्बर वो तो तैयार ही नहीं हुई है। मम्मा जल्दी हो जाए। अब आप लोगों को पता चल गया मम्मा की बात कर रही थी। चलो यार अब खैर हो गई, मम्मा ही है इस चैलेंज में और खुरैम हसन खान है। यकीनन आज ज्यादा लोग समझ गए होंगे, वैसे भी थंबनेल से आप लोग समझ ही जाते हैं। तो चलो भाई जल्दी टेबल लेके बाहर, भैया से एक टेबल नहीं उठ रही है। चलो यहाँ पे टेबल की प्लेसमेंट हमने कर दी है। भैया से मैं रिंग लाइट लगवा रही हूँ, और ये रही आपकी प्यारी रवीका काशिफ खान, जिन्होंने बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। सारिया रिपोर्ट तेरी आई मेरे कोल वे, तू कदू कि लावे केड़िया, सची सची दस दे तू मैनु एक बार वे, तू कर वे तू डीला केड़िया। मतलब अब चेक करो मेरे गाने की एक एक लिरिक्स कितने अच्छी तरीके से याद है। मतलब इतना मुश्किल हो गया था, लेकिन खैर वक्त के साथ साथ आप लोग सीख जाते हो। पंजाबी बोले में मुझे मजा आ रहा है। यहाँ बाहर की साइड जितनी भी चीजें सेट करनी थी वो सेट हमने कर दी हैं, और अब हम लोग चलते हैं किचन में। किचन से हमें जो जो चीजें लेनी है वो हम लेके आते हैं जल्दी से, लेट्स गो। सो बेसिकली हम लोग आइस बोल चैलेंज करने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी क्यूब्स है ना ये सब पानी पानी हो रही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने मिल्क शेक बनाया था। मैंने जो है वो दूसरा आइस का बॉक्स निकाल लिया है, वो है ये। इसको अब हमें टुकड़ों में तोड़ना है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है जिंदगी में। सब टूट जाता है मेरे हाथों से, लेकिन बर्फ मुझसे कभी नहीं टूटती। लेकिन आज हम ये मेहनत करेंगे और देखते हैं कि टूट पाती है कि नहीं। चले भैया साहब आ जाएं जरा इस मेहनत में, ये दुपट्टा बिछाएं, इसमें बर्फ तोड़ी जाएगी, वो भी लाएं बेलन से, टक टक बेलन से, टक टक। निकल क्यों नहीं रही है? पानी में निकाल के। अब ऐसा भी होगा नहीं, आइस क्यूब में तो ऐसा नहीं होता। पानी तो आ गई है जी बर्फ, लगता है आज पूरा घर पानी पानी हो जाएगा मेरे हाथों। चलो पकड़ो भैया को, तोड़ना चाह रही, पकड़ो मेरा कैमरा। गांव में ऐसी लड़कियां जद्दोजहद करती थी। बेलन ही ले तोड़ दो, हमारा बेलन टूटा आपका आज। तोड़ने के साथ दुपट्टा भी फाड़ दिया। भैया जिस तरह मैंने बर्फ को तोड़ा है ना, दिल चाहता है तुम्हारा सर इस तरह से फोड़। यहाँ पे हमारे बोल्स तैयार है, और किस अकलमंद से मैंने पानी भरवाया था कि एक बोल में पानी ज्यादा और एक बोल में पानी कम है। मोहतरमा तरह ग्लास में एक और पानी का ग्लास दे दें। ग्लास में एक और पानी का ग्लास दे दें। ऐसे जल्ले का पानी ले बेटा।
कुछ नहीं पता, मुझे बोला तैयार होकर आ जाओ, मैं तैयार होकर आ गई। आपकी पसंद का चैलेंज है। चलो अब आपको पता चलेगा जब हम उस टेबल पे जाएंगे। डन। अभी मुझे कुछ ठोका पीटी की आवाज आ रही थी तो मैं कमरे से आई तो मुझे सुना है कि आवाज आई, मुझे कि दुपट्टा फट गया। मम्मा दुपट्टा नहीं, मेरी उंगली यहाँ पे टूट गई। पता नहीं भाई बोला दुपट्टा फाड़ दिया मम्मा। मम्मा मेरी उंगली पे लगी है, मेरी उंगली पे जोर से देखे टेढ़ी हो गई। पहली दफा रबी का बर्फ तोड़ती उंगली तोड़ ली। अस्तगफिर अल्लाह, मैं टूटी भी नहीं है मम्मा, भाभी मेरी उंगली उड़वा दी है। मतलब इसी तरह आदत पड़ती है, प्रैक्टिस करनी। हाँ प्रैक्टिस, गाँव में जा रही ना शादी करने। आइस हमारे बॉल्स में जो है वो आइस हमने भर दी और बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं आइस बॉल। बॉल हम लोग करने जा रहे हैं आइस बॉल चैलेंज, क्योंकि हम लोग आइस बॉल चैलेंज करने जा रहे हैं तो मुझे अपने बालों को टाई करना है। तो जल्दी से मैं अपने बाल बांध के, मैंने अपने बालों को टाई कर लिया है, तो अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. So guys, दोनों बॉल इधर आ चुके हैं, मम्मा हमारी होस्ट भी आ चुकी हैं और वेलकम करते हैं हमारी होस्ट को, गेस्ट को। और वेलकम करते हैं रबीका काशिफ खान। रबीका काशिफ खान, रमजान की वीडियो में रबीका मुझे बुलाती थी, आज सोचा खुरैम और मैं इनवाइट कर लेते हैं। थैंक यू कमल, थैंक यू खुरैम हसन खान। सो सारी प्लेसमेंट हो चुकी है और हम लोग करने जा रहे हैं फाइनली आइस बॉल चैलेंज। कुछ सवालात होंगे जो कि बैक ऑफ द कैमरा जो हमारी लड़की मौजूद है वो करेंगी हमसे। जरा अपनी आवाज को बुलंद रखिएगा, ठीक है? कैमरा के पीछे वो हंसे ही जा रही है, हंसना ही खत्म नहीं हो रहा है। सवालात किए जाएंगे आपके बच्चों के हवाले से, ठीक है? आपने उसका जवाब इस तरह से देना है कि जैसे आपसे पूछा गया कि बचपन में कौन शरारती था, हम दोनों में से जो भी शरारती था उसका मुंह आप 5 सेकंड तक पानी में डुबो देंगे, ठीक है? डन। अब देखते हैं एंड में अच्छा बच्चा कौन निकलता है, खुरैम या मैं। बस हम सारा बदला मुझसे लेंगे क्योंकि इकलौती बेटी है, उसको पानी में डुबोएंगे तो उसका मेकअप खराब हो जाएगा। ओ, मैंने मेकअप किया भी नहीं है। ठीक है, नो चिटिंग, किसी की साइड नहीं लेनी है, किसी साइड में लेनी है। सही है, मैं कोई चिटिंग विटिंग नहीं करूंगी, जो याद है वही बताऊंगी। डन हो गया। सो सवाल स्टार्ट किए जाए। पहला सवाल, सबसे ज्यादा बचपन में कौन तंग करता था? सबसे ज्यादा बचपन में तंग करती थी रबी का। रबी का बहुत चुनबू रही थी, रबी का बहुत तंग करती थी और रबी का मुंह पानी में गया। 1, 2, 3, 4, 5। नाक में पानी चढ़ गया था। चले नेक्स्ट सवाल, सबसे ज्यादा नखरे किसके थे? सबसे ज्यादा नखरे भी रबीका के थे। आजा बेटा, तुम क्या हाथ लगा रही हो? मेरी बारी नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये भी लगाएगी मेरी बारी में। 1, 2, 3, 4, 5। गाइस मुंह भी बोरे का खाते से तो मेरे बाल भी भीग होती है। ये तो सबसे अच्छा सवाल है, सबसे पहले शादी किसकी होगी? अरे यार मम्मा खुरैम की होगी। ये तो मैं भी कंफ्यूज ही कर दिया इस सवाल पूछ के, तो ये तो अल्लाह ताला को पता किसकी होगी। वैसे मेरे दिमाग में ये पहले मैं बहू लाऊंगी। ये जान के भी करे जुम्मा, वीडियो में कर रही है, वीडियो में कर रही है। नहीं गलत बात है, ये आप चीटिंग कर रही है मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5। चीटिंग नहीं है, आप तुम्हारे साथ देखना करता है। कोई नहीं, मेरी गिनती नहीं गिनती, 5 सेकंड तक, 5 सेकंड के बाद गिनती है गिनती। चौथा सवाल पेश किया जाए, बचपन में मार कौन सबसे ज्यादा खाता था? बचपन में सबसे ज्यादा मार रबीका ने खाई। मम्मा झूठी, राजा बेटा खाई है। मार तो किसी ने भी नहीं खाई है, उसूल की बात है, मगर डांट खाई है। डांट नहीं मार की बात हो रही है, मार की है। मुझे नहीं खाई है। राजा मम्मा आ जाए, डांट एक ही बात है। कोई नहीं, नहीं, नहीं अलग है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि डांट और मार अलग है कि नहीं। मैंने मारा किसी को भी नहीं है इतना, किसी को बोल रही है बैट लेने के पीछे भागती थी, भागती थी, मारा नहीं है मगर। 1, 2, 3, 4, 5। भाई को बदला ले रहे हैं तुमसे, पता है? हाँ मजा आ रहा है, गरम 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 गरम। पांचवा सवाल,
पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छा कौन था? पढ़ाई में सबसे अच्छी रबीका भी थी, फ्रेम भी था, दोनों बराबर थे, इसलिए दोनों का ही मुंह जाएगा पानी। चलो सही है, अच्छाई की बात होगी ना। चलो अम्मा दोनों के हाथों से। चलो अम्मा इतने मेरी पोनी खराब हो जाएगी। दो तीन चार पाँच, ऐसा लग रहा था अम्मा कभी निकालेंगी नहीं हमें बाहर। फ्रेम पूरा सर डालना है बेटा अंदर मुँह। छठा सवाल, सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? सबसे ज्यादा ख्याल रबीका रखती है। इसमें तो मैं खुशी खुशी मुंह डालूंगी। क्या हो गया, झूठ बोल रही? नहीं भाई, हर चीज का ख्याल रखना यानी हर चीज की नहीं नहीं गिनती नहीं की थी, गिनती नहीं की थी। रबीका का मुंह पानी में रह गया। एक दो तीन चार पाँच, मैं गिन रहा था भाई, तुम तो रुक रुक के गिन रहे हो। बहुत बदतमीजी से आती कर रहे हैं। सातवां सवाल, सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है? खाना वो फ्रेम खान इट्स कवर। चलो भाई चलो पानी में रहो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मैं फाइव तक गिन चुकी हूँ। आठवां सवाल, ड्रेसिंग सेंस किसका सबसे अच्छा है? मेरा अरे बुरा होता तो इस पे रबीका का। चाय में भी भिगोना पड़ रहा है। रबीका के फैन को सबको पता है कि रबीका कितनी अच्छी ड्रेसिंग करती है, और सब कमेंट्स में हमें बताते रहते हैं यार ड्रेसिंग करे तो कोई रबीका जैसी करे, तो इसलिए सबको ही मालूम है। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात, भाई बर्फ लगा रहे तुम्हारे हाथ में। मैंने डिटॉल से हाथ। नवा सवाल, सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? नहीं कंजूस तो कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे दोनों जो हैं हर चीज में दरिया दिल मुझे पता है दिल से खर्चा करते हैं, इसलिए कंजूस तो मैं किसी को भी नहीं। नहीं लेकिन कहना पड़ेगा, ये चैलेंज का असूल है। नहीं यार दोनों के मुंह पानी में जाएंगे हैं, क्योंकि हम कंजूस है। नहीं कंजूस नहीं, कंजूस कोई भी नहीं, कंजूस मक्खी चूस। कंजूस अम्मा कह रही है कंजूस कोई नहीं, लेकिन फिर भी दोनों के पैर मुंह दोनों के मुंह पानी में डाल दूंगी ना मैं, ताकि हिसाब बराबर। ओके ओके गो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, पानी बाहर आ गया, पानी बाहर आ गया। काउंटिंग ये हमारी अम्मा भी कोई शरीफ नहीं गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा कितनी चलाक है। तो पानी भर आ गया। जब रबीका काशिफ खान इतनी जहीन हो सकती तो मैं तो उनकी अम्मा हूँ। कसम से ऐसा लगा किसी छोटे बच्चे को बिठाया हुआ है, इतनी गंदगी मचा दी है। नहीं मेरा मुंह इतना बड़ा है कि इतना अंदर गया पानी। चलो शुक्र माना तो मुंह बड़ा है। दसवां सवाल, सवाल है छोटी छोटी बातों पे कौन रोता है? छोटी छोटी बातों पे फ्रेम खान रोते हैं। ये अगर आप उसको इतना सा भी कोई बात मजाक में भी कर रहे हो वो दिल पे ले जाते हैं और उनके आंसू फौरन निकल जाते हैं। ये हमारी छुई मगर उसके आंसू निकलना शुरू हो गए। फाइव टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव की बात हुई थी सिक्स सेवन का। अब बारी आती है लास्ट सवाल की। ये दोनों में से सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है? मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एवर। भाई देखे औलाद को आज तो पता लग जाएगा, आज तो पता लग जाएगा। अल्लाह ये तो अजीब सा ही सवाल हो गया। कौन फेवरेट है? एक बात ये है कि बेटे माशाल्लाह मेरे चार हैं, बेटी एक ही है, तो इसलिए मैं बोलूंगी कि यही फेवरेट। मैं की शहजादी मैं हूँ, अरे दिल पे छाई है तेरी दिल पे। ओके वन टू थ्री गो। वन टू थ्री फोर फाइव, तो कौन जीता है? आप फैसला सुनाएंगी जज साहिबा। जो जीता है वो ही सिकंदर। उसको भी पता है, मैं भूल गई आगे क्या कह रहा था। मेरी लाइन मुकम्मल हो गई है। जो हारा होगा ना उसको मैं भी देती हूँ उसके लिए तोहफा। जो जीता है वो है रबीका, और जो हारा है वो अभी पूरी सफाई करेगा, उसके लिए मैं तोहफा देने आई।
ये ले। मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया और ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे कि मुझे सही सही जवाब देना पड़ गया भाई। और मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा होगा पानी में भिगोने में, है ना? इसलिए कि रबी का रोज आप यही करती हैं। मुझे तो मजा आया, लेकिन जो पहला वाला टाइम था ना, मेरी सांस में पानी चढ़ गया था, मतलब नाक में पानी चढ़ गया था, निकला। लेकिन बहुत 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 मजा आया। अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, और सच बताऊँ तो मैं भूल चुकी थी कि मुझे वीडियो की एंडिंग भी करनी है। खैर, वीडियो को जल्दी जाकर लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार बरसाओ, आगे बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।